खबर लखनऊ से है, जहां पर मृतक सतीश कुमार का किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बताइए, कल इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। पीएससी के जवानों द्वारा मृतक सतीश कुमार को दी गई सलामी। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मृतक के आवास पर पीएससी के जवानों द्वारा सलामी दी गई। आज सतीश कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है। परिजनों ने बैकुंठ धाम ले जाकर किया अंतिम संस्कार। इंस्पेक्टर सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक सतीश कुमार का आज अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार। खबर बदायूं से है, जहां पर पुलिस की वर्दी पहने एक युवती का फोटो वायरल हो रहा है। गांव में अपने आप को आईपीएस बताती है युवती। बता दें कि खुद को आईपीएस बताकर लोगों पर रौब गाड़ती है फर्जी आईपीएस। थाना पुलिस युवती को थाने ले जाकर पूछताछ में जुटी। खबर बदायूं से है, जहां पर फर्जी आईपीएस युवती लोगों को रौब दिखाती है। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव तारानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर गर्दन पर नुकीले हथियार से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। दीपावली का पर्व मनाने दिल्ली से अपने गाँव आया था युवक, जिसके बाद उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। शराब के उधार रुपए को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ताजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये कल दिल्ली से आया था अपने त्योहार मनाने के लिए, और जैसे ही ये गाँव में आया तो इसने थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करते हैं पार्टी के तौर पर, इसने थोड़ा सा ड्रिंक कर ली और उसके बाद दुकान पर जा रहा था रात के समय शाम 6 बजे के समथिंग। और जैसे दुकान पर पहुंचा तो जो जिन्होंने मारा है उसने दुकान पर आने के बाद कि हाँ भाई तू कमा के आया, आज तो तू पार्टी दे दे। मैं किस बात की पार्टी दे दूँ, वो कमा के आया पार्टी दे दे मेरे पास ना। इसी बात पर कहाँ सुनी हुई इनमें चुपटम चुपटा होगी, बीच बिछाव कर दिया। फिर वहाँ से बीच बिछाव होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, वो अकेला रह गया दुकान पे। और जब सब चले गए उस पर पीछे से आकर के बाद में नोकदार चक्कू या कोई ऐसी चीज़ मारी गर्दन में जो अंदर को पार होगी, और वो 5-7 मिनट में वहाँ पर ख़त्म हो गया। और उसने आकर थोड़ी बहुत ड्रिंक करी होगी और वो वहाँ से दुकान पर गया। उधर शाम को पूजा वूजा करने के बाद में दुकान पर सौदा लेकर आया, वहीं घर का दरवाज़ा उन्होंने का वहीं मारने वालों का दुकान के बराबर। वो बोले कि भाई कमा के आया पार्टी के लिए पैसे दे दूँ 500 रुपये दे, तो क्यों दे दूँ पैसे फिर एक ही। इस बात में उनमें कैंसलन हुई जी आपस में, कैंसलन होने के बाद में वहाँ बीच बिछाव होगा, उसके बाद में वो अकेला रहेगा। रहने के बाद में बाप ने लगा लिया बातों में, बेटों ने चक्कू से और सर्दियों से वार कर दिया। कल सायंकाल कोतवाली देहात के ग्राम ताजपुर के अंतर्गत एक मारपीट हुई थी पैसे के लेन देन को लेकर के, जिसमें बंटी नामक व्यक्ति घायल हुआ था। पता चला था कि बंटी और उसी गांव के कुछ लड़के अंकिताज हैं, इनसे पैसे के लेन देन के लेकर के विवाद हुआ था और उसी के तहत उससे मारपीट की गई थी। उसका अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। परिवार द्वारा पहली प्राप्त हुई है, उसकी जाँच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर हरदोई से है, जहाँ पर दबंगों को नहीं है पुलिस का बिल्कुल भी खौफ। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। दबंगों द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, तो दबंगों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। शहर कोतवाली के सांडी चुंगी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर आप ये सीधी तस्वीर भी देख सकते हैं कि दबंग किस तरीके से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है दबंगों के अंदर। शहर कोतवाली के सांडी चुंगी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर हरदोई से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शहर कोतवाली के सांडी चुंगी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज बताइए, जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, क्या कुछ अभी तक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है? नंदनी आपको बता दें, शहर कोतवाली के सांडे चुंगी का मामला है। यहाँ पे आए दिन इस तरीके की घटनाएं
लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए खुलेआम दबंगा ही कर रहे हैं। जी जी, तो ये वायरल वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिस युवक की पिटाई की जा रही, क्या वो कैमरे के सामने आया? अभी कुछ कहना मुश्किल है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी तब सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर लखनऊ से है, जहां पर टप्पेबाजों ने ठगी करने का निकाला एक अनोखा तरीका। रैपिडो और बुकिंग राइडर से टप्पेबाजों ने शुरू कर दी है टप्पेबाजी। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर रैपिडो और बाइकर्स पर अब टप्पेबाजी हो रही है। रैपिडो बुक लोकेशन पर पहुंचते हैं टप्पेबाजी के लोग, और एक ही लोकेशन पर दो बार हुई टप्पेबाजी, दिखा लोगों में आक्रोश। रैपिडो चालक से लोकेशन पर पहुंचते ही उड़ा दिया उसका पर्स। तो अब ये टप्पेबाजी करने का नया तरीका टप्पेबाजों ने निकाला। इंदिरानगर थाना क्षेत्र स्थित अबरार नगर इलाके में टप्पेबाजी का गिरोह सक्रिय हो चुका है। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र वर्मा नाम है, रैपिडो चलाते हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ? एक मजीद नाम का व्यक्ति रैपिडो बुक किया, फिर उसने यहाँ पे लाया और रुपये दिए, तो हम पर्स निकाले अपने चेंज देने के लिए, और 1250 रुपये हमारे पास थे वो छीन के भाग गया। क्या बताया, क्या बहाना बताया था आपसे? पैसे छीन के भाग गया। तो मतलब मांगे थे, मतलब क्या हुआ था, मतलब कहाँ से ये बैठा हुआ था? पैसे हम चेंज निकाले जी देने के लिए पर्स, हाँ। और 1250 रुपये जैसे हम हाथ में पकड़े छीन के भाग गया। कहाँ से बैठा के लाए थे? ये सेक्टर 25 से। पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, 112 पे कॉल की। क्या कहा है? पुलिस अभी आ रही है।